यूपी के जहांगीराबाद में अतिरिक्त वसूली को लेकर नगरपालिका परिषद में सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने ई रिक्शा खड़े कर जाम कर हंगामा खड़ा कर दिया। ई रिक्शा ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। ई रिक्शा चालकों ने पालिका अध्यक्ष को नगरपालिका द्वारा नियुक्त इका रेडी ठेकेदार पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। ई रिक्शा चालकों की शिकायत पर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सूरज भान माहुर ने ईओ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ट्रेडरी वालों ने प्रदर्शन करा नगर पालिका में, क्या मामला था इनका? प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। कुछ ट्रेडरी वाले यहाँ आए हुए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि उनसे अधिक मूल्य वसूला जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। इस पर एप्लीकेशन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया है, तो मैंने संबंधित पटन सहायक जो है उनको निर्देशित कर दिया है कि जाँच करके वो रिपोर्ट दें। ये बता रहे 10 रुपये की रसीद करती थी या अब 20 रुपये कर दिया डबल? उन्होंने फोटोकॉपी लगाई हुई है, जांच का विषय है, जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आए हो तुम ट्रेडरी यूनियन वाले, क्या मामला तुम्हारा? बाबूजी पहले 10 रुपये की पर्ची कटती थी तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब पर्ची ये 10 रुपये वाली पर्ची है पहली कल तक की, और ये है 20 रुपये वाली पर्ची, आज की पर्ची है ये। तो अनूप शहर में भी पर्ची बाबूजी नहीं कट रही है, और भी जगह नहीं कट रही है। बिलेन शहर में 10 रुपये की पर्ची कट रही है, और यहाँ ट्रेडरी वालों के लिए 20 रुपये की पर्ची काटी जा रही है, और उनसे कह रहे हैं कि कल की वाली पर्ची जो हमारी 10 रुपये की कट रही है और आज 20 रुपये क्यों काट रहे हो? तो वो हमसे लड़ने के लिए तैयार थे। तुम्हारी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, पर्ची नहीं कटनी चाहिए, पर्ची कटनी नहीं है, गुलाम जी के शासन में पर्ची खत्म है, पर्ची नहीं कटनी चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है, मैं जहांगीराबाद का रहने वाला हूँ, जिला बिलेंशहर जहांगीराबाद बिलेंशहर अड्डे का रहने वाला हूँ। अब आप किससे मिले थे? हम चेयरमैन साहब से भी मिले थे, ईओ साहब से भी मिले थे, और भी हैं जो सर हैं अंदर उनसे सबसे मिले थे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के हमसे मांगी थी, तो हमने एप्लीकेशन दे दी। कुंवर वेंकट हाल सुरेश शर्मा नगर बरेली में हुई हिंदू युवा वाहिनी मंडलीय समीक्षा बैठक में प्रदेश से आए मुख्य अतिथि अशोक कुमार सिंह एवं वशिष्ठ अतिथि प्रमोद सिंह व मंडल प्रभारी मुरादाबाद एनपी सिंह को मंडल के सभी जिला पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इसी कड़ी में शाजापुर के पदाधिकारियों ने भी अतिथियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सुनील जी, आप हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, शाजापुर के क्या प्रमुख मुद्दे ऐसे रहेंगे जो कि आप उठाना चाहेंगे यहाँ से? शाहजहांपुर का प्रमुख मुद्दा तो वैसे देखा जाए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रमुख मुद्दा शाहजहांपुर का वो है भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं 70% अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं उस तबके को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ दबाते हैं, उनसे एक तरीके से धनुवाही कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि अगर मैं शाहजहांपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया हूँ हिंदू युवानी का, तो मैं महाराज जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कहे अनुसार भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त कर दूँ। अच्छा, एक प्रमुख मुद्दा जनपद शाहजहांपुर का ये भी है कि यहाँ के युवाओं को बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है, यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद में उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, क्या इसको लेके आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये आप बात उनके सामने उठाएंगे क्या? बिल्कुल, बहुत ही प्रमुख मुद्दा है जनपद शाहजहांपुर का। मुझे महाराज जी से जिस दिन भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और जल्द ही महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ, उस दिन में महाराज जी से सबसे प्रमुख मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा मेरा यही होगा कि शाहजहांपुर का मेरा बहुत सा भाई, मेरा बहुत सा युवा जो कि बेरोजगार है उसको मैं रोजगार दिलाने का काम करूं, और यहां पे और भी इंडस्ट्रियां लाने का काम। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शिवरामपुर में कुछ दिन पहले न्यायालय के आदेश पर अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई पैमाइश में दो पक्षों में लिखा पढ़ी से प्राप्त हुई संतुष्टि के बाद गंगा सागर वर्मा ने अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जहां एक हफ्ते बाद विपक्षी पार्टी ने आकर हमला बोल दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए निर्माण कार्य को बीच में ही रोक दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बता दीजिए, मेरा नाम गंगा सागर वर्मा है, मैं सुजौली ग्राम का रहने वाला हूँ जी। क्या मामला है? मेरा मामला पथल नस्ल का है, पथल नस्ल का दिनांक 10/8/19 अगस्त को सारे अधिकारियों के समक्ष और ईसाई बांध के समक्ष, शैलेंद्र सिंह के समक्ष, सारे नागरिकों के समक्ष पत्थल की कार्रवाई पूरा हुई और पत्थल गड़ा गया, और पत्थल में मैं और शैलेंद्र सिंह संतुष्टि पत्र लिख कर दिए,
उसके बावजूद मैंने दिनांक 15 अगस्त सन 19 को अपना निर्माण कार्य डीएम महोदय के आदेशानुसार 14/8/19 को डीएम से आदेश कराया और आदेश के बाद अभी क्या मामला है हमको ये बताइए। अब मामला यह है कि मैं निर्माण कार्य शुरू किया कोर्ट के आदेशों के बाद आपने कोर्ट का निर्माण शुरू किया उसके बाद सिलेंडर से और यहाँ के प्रभुनाथ के लड़के टेम्पो और राधेश्याम हरेंद्र तहसील दातागंज नगर में जय दुर्गा शिव शक्ति युवा सेवा समिति द्वारा पूर्व की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाल व्यास योगेश कृष्ण जी महाराज की सुरीली आवाज से सुनाए भजनों पर भक्तगण झूमने लगे हैं। कस्बा उसावा के गरीब परिवार की महिला दिव्यांग सदस्य ने 3 दिन पहले पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिस पर समिति पदाधिकारियों ने शनिवार को 1 क्विंटल गेहूं, 25 किलो चावल, दालें और अन्य खाद्य वस्तुएं भेंट की है। युवाओं द्वारा की गई इस मदद से दंपत्ति के चेहरे खिल उठे हैं। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गौरव सिंह है। अच्छा किस पद पे हैं आप? जी मैं मनका में सज्जन सेवा समिति में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे हूँ। अच्छा सर आपकी समिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसमें क्या है? जी मेरी समिति का उद्देश्य है गरीब असहायों और जरूरतमंदों की मदद करना, उसी के उद्देश्य से आज हमें पता चला था एक परिवार है जो कई दिनों से भूखा था और उसी परिवार की मदद के लिए आज हमारी समिति मेंबरों ने अपना सर्वांश, जिसमें किसी भी राजनीतिक या किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, उसके खाद्यान्न और दैनिक प्रयोग की जो वस्तुएँ हैं उसकी व्यवस्था की है और वही उसको जो है उपलब्ध कराई गई। तो क्या नाम है? अच्छा जी ये जो है समिति ने आपका जो खाद्यान्न का सहयोग करा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा ये जो समिति कार्य कर रही है अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा ये जो है आपने समिति के लोगों से जो अपील की थी कि हम भूखे सोए थे और जो है हमें खाने के लिए व्यवस्था कराई जाए, तो ये एक अच्छा कदम है इनका और ये ऐसे निरंतर करते रहें तो और अच्छी बात है।